गुरु ग्रंथ साहब जी से जो हमने अभी थीम लिया है सरबत्ता भला, गुरु ग्रंथ साहब में जितने भी गुरुओं की बाणी है, भक्तों और फकीरों की बाणी है, सरबत्ता भला जो हमने मेन थीम लिया है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, हर एक गुरु ने और खास हर एक धर्म में, हर गुरु गोसाई, हर पीर पैगंबर, संत महात्मा ने एक ही मैसेज इस दुनिया को दिया है कि हर एक मानव जाति का हम कल्याण करें, और अपने मन से, हर एक के लिए हमारे अंदर से यही भाव निकलना चाहिए कि हर एक आत्मा का भला हो, उस जन जन का भला हो। सरबत्ता भला जदों असी दूसरे लिए मंगदे हाँ, अपना भला उसमें समाया हुआ ही होता है, अपना भला मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि गुरुद्वारा साहब में हर रोज अरदास की जाती है, तो अरदास के अंत में सरबत्ता भला एक लाइन है जो हम बोलते हैं अरदास में। तो मतलब परमात्मा ने या गुरु नानक देव जी ने हमें एक मैसेज दिया कि जब हम सरबत का भला अपने दिल से मांगेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सर्व सारी सृष्टि का भला हो, उसमें मेरा भला ऑटोमेटिकली समाया हुआ है। और गुरु अर्जन देव जी ने, जो कि पांचवें गुरु थे सिखों के, फिफ्थ गुरु थे गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी में एक लाइन लिखी है, एक पिता एकस के हम बारक, तू मेरा गुरु हई। बीपी सिंह जी, मेरी आवाज क्या डबल होके आ रही है? हाँ, थोड़ी इको तो हो रही है, या तो और शुरू हो रखी होगी, इसलिए शायद इको हो रही है। दो डिवाइस आपने ऑन कर रखी है क्योंकि मुझे भी जी। सुन रही है मेरी आवाज। हाँ, एक पिता एकस के हम बारक, तू मेरा गुरु हाई, बारक कि तू मेरा गुरु हाई, कि परमात्मा के लिए उन्होंने कहा कि परमात्मा तू के लिए मेरा उन्होंने गुरु कहा है कि तू और मेरा गुरु एक है, पिता एकस और के एक हम पिता बारक एकस हैं, के हम हम सभी बारक हैं, आत्माएं। हम जब सभी हमने ये आत्माएं। कह दिया एक हमने पिता ये एकस कह के दिया हम एक बारक, पिता एकस के माना हम हम बारक, सभी के, माना परमात्मा हम सभी के, परमात्मा एक है, हम सबका पिता एक है, एक हम है सबका पिता एक है, और हम सभी उसके बच्चे हम हैं। सभी उसके हम बच्चे सभी हैं, बच्चे आपस हम में सभी फिर बच्चे हमारा आपस जो में रिश्ता फिर बन जाता हमारा है जो वो रिश्ता बन यूनिवर्सल जाता है, ब्रदरहुड का यूनिवर्सल बन जाता ब्रदरहुड है कि का हम बन सभी जाता आपस है, हम में सभी भाई आपस भाई में हैं। भाई भाई हैं। आगे कंटिन्यू करते हुए, उनकी वॉइस काफी इको हो रही है, डबल आ रही है। गुरु अर्जन अब देव नहीं जी आ रही। ने गुरु ग्रंथ साहब, हाँ जी, गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी में आगे और भी जो मैसेज दिया कि होए 71 मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए, कि जब हम कोई भी जीवन में, जब भी किसी के भी जीवन में कोई दुविधा आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, या मन में कोई ऐसी दुविधा आती है, उस टाइम अगर हम परमात्मा के साथ अपनी लिव लगाते हैं, लिव माना जब हम उसके साथ अपना मन जोड़ते हैं, अपनी डिवाइन कनेक्शन जब परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, अपनी बुद्धि उससे जोड़ते हैं, तो हमारी वो दुविधा भी दूर हो जाती है। और उनका ये मैसेज है कि इकट्ठे हो करके होए 71 मिलो मेरे भाई, एक दूसरे के साथ जैसे हम परिवार समझकर एक दूसरे से मिलें बैठें, और वो स्नेह प्यार हमारा जो है ब्रदरहुड का, वो बना रहना चाहिए। अभी वॉइस क्लियर है? हाँ, एकदम वॉइस क्लियर है आपकी, वॉइस एकदम ठीक आ रही है जी। ओके, तो गुरु अर्जन देव जी का ही जो हमारे पांचवें गुरु थे, पांचवें गुरु थी सिखिज्म में, उन्होंने एक और बहुत खूबसूरत बात कही, ना को बैरी नहीं बेगाना, कि ना तो मेरा कोई बैरी है ना ही कोई बेगाना, सगल संग हमको बन आई, कि जो ये सारी सृष्टि है सगल संग, ये हमारा जितना भी पसारा है, जितने भी मानव है सृष्टि पर, हम सभी एक दूसरे के ना तो बैरी हैं ना बेगाने हैं, सगल संग हमको बन आई, कि परमात्मा का मैसेज है हमारे लिए, गुरु साहिबान का मैसेज है हमारे लिए, कि हम सभी एक दूसरे को अपना परिवार समझें, बार बार यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो मैसेज है वो हमारे सामने निकल करके आता है। उन्होंने इसी के साथ एक और कोट किया, सबको मीत हम आपन कीना, सबको मीत
माना होता है हमारा। बबले 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 हेलो जी जी बोलिए, जी, आपकी आवाज सही आ रही है, आवाज आ बोलिए रही है? जी। ओके हाँ आ रही है। जी, ओके ओके। जैसे हम कुछ लोगों के साथ अपने, हमारे कुछ परम मित्र हैं, थोड़े से फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सिर्फ उन्हीं तक हम सीमित ना रहे, हम इस पूरे सृष्टि को, पूरे जगत को, पूरे संसार को अपनी फैमिली समझकर चलें, तो जब हमारे अंदर वो भाव होगा तभी हम वन गॉड वन वर्ल्ड वन फैमिली का जो टाइटल है या जो थीम है उसको सच कर सकते हैं। जो सीमा है, हमने सीमाएं बांध रखी हैं, उस सीमा में रह करके ही हम उसनों को अपना मानते हैं, लेकिन हम पूरी सृष्टि के प्रति हमारे दिल से वो स्नेह, वो प्यार, वो ममता हमारे अंदर से निकले, हम जन जन को, एक एक आत्मा को अपना परिवार समझें, ये जानते हुए कि परमात्मा एक है, गॉड इज वन, सबने कहा गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, परमात्मा एक है और उस एक परमात्मा के ही हम सभी आत्माएं हैं, हम सभी आत्माएं, सारा संसार उसकी संतान है। तो जब हम सभी एक साथ खड़े होकर, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, कहीं भी चले जाइए, हर धर्म में हम एक परमात्मा के आगे खड़े होकर ये अरदास करते हैं, ये कहते हैं, तू मात पिता हम बालक तेरे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, कि तुम, तू ही माता है, तू ही पिता है, तू मेरा बंधु है, तू ही सखा है। तो जब हमने उनसे ये कह दिया कि तू मात पिता हम बालक तेरे, तो हम सभी बालक आपस में क्या हो गए, भाई भाई हो गए। तो इस नाते से हम सभी का यूनिवर्सल ब्रदरहुड का रिश्ता जुड़ जाता है, लेकिन उसे हम अगर निरंतर अपने मन में याद रखें तो शायद ये जो छोटे छोटे वैर विरोध, मन मिटाव और आपस के कला कलेश की जो बातें दुनिया में होती हैं वो धीरे धीरे मिट सकती हैं और उनको हम मिटाने में कामयाब भी हो सकते हैं। और पंजवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी ने एक और बात उसमें वर्णन की है, खत्री ब्राह्मण सूद वैश उपदेश चो वर्णा को सांझा। उन्होंने ये चीज लिखी कि परमपिता परमात्मा का जो मैसेज है, जो संदेश है, वो सभी के लिए एक जैसा है, वो अलग अलग नहीं है, ऐसा नहीं है कोई भेदभाव से मैसेज नहीं दिया गया है, चाहे कोई खत्री है, चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे शूद है या वैश्य है, उपदेश चौ वर्णा को, चौ मतलब चारों वर्णों को, एक ही जैसा संदेश, एक ही जैसा मैसेज गुरु ग्रंथ साहब जी में उन्होंने इस लाइन को दर्ज किया कि परमपिता परमात्मा का जो मैसेज है वो सबके लिए एक जैसा है, कोई ऐसा नहीं कि कोई ऊंच है तो उसके लिए अलग मैसेज है, कोई गरीब है या कोई रंक है या कोई राजा है तो उनके लिए अलग मैसेज है, इट्स सेम फॉर एवरीवन। और कुछ बातों को डिस्कस करते हुए गुरु नानक देव जी ने एक बहुत सुंदर मैसेज जन जन तक दिया है कि जिहा बीजा सोलणे सोलुणे कर्मा संदरा खेत, कि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है, वैसा ही हम अपने कर्म रूपी, जीवन रूपी खेत में जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल हम काटेंगे। तो अगर इस कर्म के सिद्धांत को, कार्मिक अकाउंट्स को समझते हुए, कार्मिक फिलॉसफी को समझते हुए, अगर हम इस कर्म के सिद्धांत को अपने जीवन में याद रखें कि कर्म रूपी खेत पे मैं जो बोऊंगा उसी का वैसा ही फल आगे जा करके काटूंगा, तो निश्चित है कि हम सभी का जो कर्म है वो बहुत ही अच्छा होगा, राइट होगा और सही दिशा में जाएगा हमेशा, हम गलत कर्म की तरफ कदम कभी नहीं उठाएंगे। लेकिन क्या है कि जीवन में चलते हुए ये चीज हम भूल जाते हैं कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल आएंगे, इस चीज को, इस बात का वर्णन, इस बात का, ये जो मैसेज है, संदेश है, ये गुरु ग्रंथ साहब जी में भी है, रामायण, गीता, महाभारत, कहीं चले जाओ, कुरान उठा लो, बाइबल उठा लो, सब जगह ये मैसेज दिया गया है। तो हम सभी का फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे को भी याद दिलाएं और साथ ही साथ
हम खुद भी इसको फॉलो करें। और गुरु नानक देव जी की एक बहुत अच्छी एक बहुत खास मैसेज जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली याद आता है, जो उन्होंने कहा, किर्त करो नाम जपो वंड शको। किर्त करो माना मेहनत करो, अपने हाथों से मेहनत करो अपने जीवन में, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहो। ऐसा नहीं कि हम किसी पर भी डिपेंड रहे, बेशक परमात्मा का, ईश्वर का दिया हुआ बेहद हो हमारे पास, लेकिन फिर भी किर्त करना ये मानव जीवन का, मनुष्य का अपना एक फर्ज बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नाम जपो, एक ईश्वर को याद करो, उसका नाम जपो और वंड शको, कि जब हम ईश्वर की याद में समाये हुए रहेंगे, जब परमात्मा की याद हमारे जीवन में रहेगी, तो नेचुरल है ये जो वंड शको है ये हमारे जीवन में एक नेचर बन जाएगी, कि जो भी खाएं वो सबको खिला करके खाएं, एक साथ बांट करके खाएं। कितना टाइम है, मतलब मुझे थोड़ा पूछना जी है कुछ। जी हाँ, नहीं टाइम क्योंकि हमें और भी स्पीकर्स के पास में जाना है। जस्ट 1 मिनट में आप अपनी बात जी को थोड़ा कंक्लूड करेंगे जी, उसके बाद में आपके साथ में कुछ प्रश्नोत्तर भी होंगे जी। तो इसी के साथ, एक जैसे कि गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद जी की, भगत कबीर जी की भी वाणी दर्ज है, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है, उनके भी मैसेज हम शेयर करना चाहूंगी। बाबा फरीद जी ने भी एक बहुत अच्छी लाइन कही है, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन न हटाए, कि तेरे साथ कोई बुरा भी करे उसका भी भला कर और अपने मन में गुस्सा ना रख। और उन्होंने इसी के साथ एक और मैं छोटा सा मैसेज दिया है, जे तै मारन मुखिया तिना ना मारे कुंभ, आप नड़े कर जाइए पैर तिना दे चो। माना वो इसमें इसका अर्थ है, वो ये कहते हैं कि अगर हमें कोई निंदा करता है, कोई मारता भी है, तो हमें पलट करके उस पर वार नहीं करना, हमें उसको उसे मतलब घूमकर फिर से पलट कर उसे मारना नहीं है, लेकिन जब वो घर आए, तो जैसे कि हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव, कि वो घर आया मेहमान ईश्वर के समान है, तो उनके पैर हम चूमें। और एक लास्ट मैसेज सभी को देना चाहूंगी आज के समाज के हिसाब से। गुरु नानक देव जी ने स्त्री का बहुत ही सम्मान और मान किया है, उसके ऊपर उन्होंने एक शब्द बोला है, पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगण व्याहो, पंडे होवे दोस्ती पंडे चले राहो। पहले मैं बोल के फिर उसका अर्थ कर दूंगी, पंडे मुआ पंडे पालिए पंड होवे बंदान, पंडो ही पंड उपजे पंडे बाजन कोए, नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए, हो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। तो यहाँ पे उन्होंने ये मैसेज दिया कि औरत ही वो औरत जिससे औरत का जन्म होता है, औरत से ही ये संसार है, औरत से ही राजा पैदा होता है। तो ऐसी और वो एक स्त्री नारी जिसको उन्होंने अपने पूरे गुरु ग्रंथ साहब में एक बहुत अच्छी वडियाई, बहुत अच्छी महिमा की है, कि फ्रॉम अ वुमन देर इज अ बर्थ, विद इन अ वुमन द ह्यूमन बॉडी इज कंसीव्ड, विद अ वुमन इज एंगेजमेंट एंड मैरिज, वुमन बिकम्स हिज फ्रेंड, थ्रू वुमन द फ्यूचर जनरेशन कम्स, वेन हिज वुमन डाइज ही सीक्स अनदर वुमन, तो वुमन ही इज बाउंड, सो वाई कॉल हर बैड, फ्रॉम हर किंग्स आर बॉर्न, फ्रॉम वुमन वुमन इज बॉर्न, विदाउट वुमन देयर वुड बी नो वन एट। लास्ट में वो कहते हैं, ओ नानक ओनली द ट्रू लॉर्ड इज विदाउट अ वुमन, कि सिर्फ एक परमात्मा है जो नारी से या माँ के पेट से जन्म नहीं लेता, क्योंकि वो अजन्मा है, अजुनी सैभंग है, उनको जन्म देने वाला कोई नहीं, उनके माता पिता कोई नहीं, सिर्फ एक ईश्वर को छोड़ के बाकी सारा संसार स्त्री से जन्म लेता है। इसलिए उन्होंने नारी का भी सम्मान करते हुए काफी अच्छा ये शब्द जो है गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताई। मैं आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी चौहान साहब से आग्रह करूंगा, उपाध्यक्ष हरियाणा ग्रंथ अकादमी, सरबत दा भला गुरु ग्रंथ साहब में ये किस प्रकार बताया गया और इसको हम किस रूप में देखें, आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी चौहान साहब।
चौहान साहब बोलिए, आपके माइक को मैंने अनम्यूट कर दिया। चौहान साहब आपकी वॉइस नहीं आ रही। चौहान साहब ईयरफोन जरा हटा देंगे आप मेरे से, उसके बाद इसमें से ईयरफोन को हटा के अगर बोले तो शायद आवाज आए। वॉइस नहीं आ रही यहां तक। चौहान साहब आवाज नहीं आ रही है। चौहान साहब को कुछ टेक्निकल चौहान साहब वापस जुड़ते हैं, तब तक हम इस बीच आग्रह करते हैं आदरणीय तेजपाल सिंह जी साहब से। तेजपाल सिंह साहब तेजपाल सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो जी, तेजपाल सिंह जी, आज कुछ कुछ तेजपाल सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है? तेजपाल वो आते हैं, तब तक मैं करमजीत जी से एक प्रश्न जानना चाहूंगा। करमजीत जी आपसे एक छोटी सी मेरी जिज्ञासा है कि जो पीपा की वाणी है उसको गुरु ग्रंथ साहब में किस प्रकार समाहित किया गया, धन्ना और पीपा की वाणी को, जो राजस्थान के टोंक जिले के जो धन्ना और पीपा जिनकी वाणी को जी गुरु ग्रंथ अब साहब में जोड़ा गया। हेलो राजस्थान के टोंक जिले के रहने वाले धन्ना और पीपा ने जो बातें कही उनको गुरु ग्रंथ साहिब में जोड़ा गया है, वो किस प्रकार जोड़ा गया है? हेलो, आप भगत जी पीपा जी की बात कर रहे बोलिए। हैं? जी पीपा चंद आचार्य जी जो मिस्टिक पॉइट थे, राजपूत रूलर थे। जी जिनकी जी वाणी को भी गुरु ग्रंथ साहिब में लिया गया है ना, जोड़ा गया है। जी, बिल्कुल। वो गुरुमुख थे, गुरुमत के सब बहुत बड़े सपोर्टर थे, और उनकी भी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। उनकी कोई मुख्य बात जो हमारे इस विषय को कहीं जोड़ती हो, जो धन्ना और पीपा जी ने जो कही
और जो आज के विषय से कहीं जुड़ी हुई कोई ऐसा विषय, ऐसा दृष्टांत कोई उनकी बातों में आता हो। हाँ जी, उन्होंने जी, उनका पीपा जी का कुछ पंक्तियां हैं, जी, मेरा ऑडियो मिल रहा है क्या सिंह थोड़ा साहब? सा। हाँ चौहान साहब, मेरे पर 1 मिनट आपको रुकना पड़ेगा। बहन परमजीत से हमने एक छोटी सी जिज्ञासा कर ली थी, तो जी प्लीज जी वो पहले अपनी बात को स्पष्ट कर दें, उसके बाद में चौहान साहब को सुनेंगे। जी जी उनका एक शब्द है, उनका एक शब्द थोड़ा सा नरेट करूंगी मैं। थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो सकती है क्योंकि हमारा पंजाबी एक्सेंट है, तो थोड़ा समझ लीजिएगा। जी उनका है कि काऊ देवा काइयाऊ देवल काइयाऊ जंगत जाती। माना वो कहते हैं कि विद इन द बॉडी द डिवाइन लॉर्ड इज एम्बॉडीड, द बॉडी इज द टेम्पल द प्लेस ऑफ पिलग्रीमेज एंड द पिलग्रिम। ये जो शरीर है, ये जो तन है, ये एक मंदिर है, और जो आत्मा रूपी जो आत्मा इसमें निवास करती है, ये समझिए ये एक पिलग्रीमेज है, द प्लेस ऑफ पिलग्रीमेज, यही एक तीर्थ है। एंड द पिलग्रिम आत्मा के लिए उन्होंने कहा, कइयाऊ धूप दीप नई बेदा कइयाऊ पूजय पाती पूजऊ पाती। नाना विद इन द बॉडी आर इंसेंस लैम्प्स एंड ऑफरिंग्स, विद इन द बॉडी आर द फ्लावर ऑफरिंग्स। काया बहु खंड खोजते नव निध पाई। उन्होंने आगे कहा कि मैंने थ्रू आउट मैनी रेम्स मैंने सर्च किया है, बट आई फाउंड द 9 ट्रेजर्स विद इन द बॉडी। कि उनको जो कहते हैं ना, जैसे कि 9 द्वारे प्रगट कीते 10वां गुप्त रखाया, कि वो 9 के 9 ट्रेजर्स उनको अपनी ही बॉडी में ही मिले। ना कछ आएबो ना कछ जाएबो, राम की दहाई रहाओ। नथिंग कम्स एंड नथिंग गोज, आई प्रे टू द लॉर्ड फॉर मर्सी। ये उनके कुछ भगत पीपा जी के शब्द हैं। जी जी उन्होंने एक ये भी कहा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे, द वन हु परवेड्स द यूनिवर्स ऑल्सो ड्वेल्स इन द बॉडी, हु सो एवर सीक्स हिम फाइंड्स हिम देयर। ये हम न्यूट्रिशन का जब सेशन लेते हैं, मैं उसमें उनका ये जी कोट जरूर करती हूँ, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। 5 तत्व जो बाहर प्रकृति में है, उसी का ये प्रकृति जो शरीर हमारे पास है, उसी का बना हुआ है। बिल्कुल, डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही बताया। और अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी चौहान साहब से, हरियाणा ग्रंथ अकादमी के उपाध्यक्ष हैं, और इसी तरह के विषयों पर आपकी बहुत प्रगाढ़ता से एक गहन जानकारी है, आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी चौहान। मैं पल भर के लिए बतियाते बतियाते आप लोगों से बात करते करते कुछ थोड़ी सी मेरी दिली तमन्ना थी आज के, आज की सारी ये चर्चा हम इसको लाइव ले जा सकें, इसका सीधा प्रसारण हो सके, उसके जतन जुगाड़ में लगा हुआ था और उस प्रक्रिया में आज हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, यूं कह सकते हैं। खैर, रिकॉर्डिंग डॉक्टर डीपी सिंह जी उपलब्ध करा देंगे तो हम उसका सदुपयोग करेंगे ताकि डेफिनेटली अधिक से अधिक लोगों तक ये संदेश जा सके। जी मैं बहन करमजीत जी को पूरा नहीं सुन पाया और इस बीच में और विद्वान जन क्या कह गए वो भी नहीं सुन पाया क्योंकि मेरे इस तरफ से कुछ ऑडियो की दिक्कत भी थी। मैं एक बार अपनी बात शुरू करने से पहले आप सबको जो इस विषय पर चर्चा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस वेबिनार में, जो जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, सरदार तेजपाल सिंह जी दिख रहे हैं, वीरेश सिंह जी नजर आ रहे हैं, और भी जो जो विद्वत जन और कम्युनिटी रेडियो से जुड़े हुए हमारे कम्युनिटी योद्धा हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। श्री गुरु ग्रंथ साहब की जब हम बात करते हैं तो प्रथम दृष्टया कुछ लोगों को यूं लग सकता है कि दुनिया में कई और दूसरे पंथ संप्रदाय भी हैं जो किसी एक ग्रंथ को, किसी एक पुस्तक को
मान करके चलते हैं, उसकी आराधना करते हैं या उसमें जो कहा गया है उसके दिखाए रास्ते पर चलते हैं, और ये भ्रम हो सकता है पहली नजर में कि शायद यहाँ भी गुरु ग्रंथ साहब में भी जो कुछ कहा गया है कुछ उसी पैटर्न का होगा, उसी अंदाज का होगा। मैं बहुत विनम्रता से एक बात जो मुझे समझ में आई है, मैं निश्चित रूप से श्री गुरु ग्रंथ साहब को उतना उतने पढ़ने वालों में या जानने वालों में नहीं हूँ जितनी करमजीत जी हो सकती हैं। हम तेजपाल सिंह जी का को अगर नहीं सुना है तो हम उनको सुनेंगे, वो तो निरंतर इस ज्ञान सागर में गोते लगाने वाले सौभाग्यशाली लोग हैं। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, एक ऐसा अद्भुत वो ज्ञान का सागर है जिसके बारे में जिसको दूसरों से कंपेयर नहीं किया जा सकता, और दूसरों से कंपेयर इस मायने में नहीं किया जा सकता, या कंपेयर करेंगे तो आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगा कि जो भारत की मूल परंपरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयः, प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करना, मेरा कल्याण नहीं है, जब मैं सबके कल्याण की कामना करता हूं तो मैं ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता हूं। तो ये जो भारत की बहुत प्राचीन ज्ञान परंपरा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब की मुख्य धारा मूल धारा वो ही है, उस बात को वो बात आद्योपांत उसमें बहती दिखाई देती है। अब इसको देखने का एक अंदाज ये भी हो सकता है कि आमतौर पर जो दूसरे ऐसे ग्रंथ या पुस्तकें हैं जो किन्हीं पंथों की मार्गदर्शक हैं, कुरान शरीफ हो सकती है, बाइबल हो सकती है, जैन दवस्ता या और दूसरे ग्रंथ हो सकते हैं, उनमें संभवतः ये होता है कि किन्हीं एक महापुरुष के दिया हुआ ज्ञान, उनकी बताई हुई बातें उसमें समाहित हैं, और फिर साथ में लगभग लगभग सबने ये कह दिया कि जो हमारे यहाँ कह दिया वो अंतिम, इसके बाहर नहीं जाना, यानी वो इंक्लूसिव के बजाय एक्सक्लूसिविस्ट हैं, शेष को छोड़ दिया, जो मैंने या मेरे भीतर कहा गया या इस ग्रंथ में कहा गया इसके बियॉन्ड भी नॉलेज हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस पर यूं लगता है आमतौर पे कि वहां दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हुए हैं मोटे मोटे, उनको कपाटों को खोला नहीं जा सकता। लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहब की तो संरचना ही अद्भुत है, जिस सिख पंथ सिख मत सिख संप्रदाय सिख धर्म का वह ग्रंथ है जिसको वो कहते हैं कि हमारे तो गुरु हैं, आप माने ना माने, प्रत्येक सिख को हुक्म है, सभी सिखन को हुक्म है गुरु माने वो ग्रंथ, तो प्रत्येक सिख उसको गुरु मानता है, प्रकट गुरा की देह मानता है, गुरुओं की प्रकट देह के बराबर मानता है। तो उस सिख पंथ की मूल धारा के संतों से इतर 30 कवियों और संतों की वाणी उसमें समाहित है, ये गजब का इंक्लूसिवनेस है डॉक्टर डीपी सिंह, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं। जिस दौर में गुरु ग्रंथ साहब का संकलन होता है संपादन होता है या फिर दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के आते आते उनके उनके वो इस ये घोषणा करते हैं, उद्घोषणा जो इसका जिक्र पहले भी होगा, मैंने भी कह दिया सभी सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, तो इस आज्ञा के होने का जो के बीच का और यूं कहिए गुरु नानक देव जी के जमाने से गुरु गोविंद सिंह के कालखंड तक का जो दौर है, उस दौर में भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अंदाज में ईश्वर की आराधना करने वाले या परमात्मा के बारे में सोचने वाले या समाज के बारे में बोलने वाले या कुरीतियों के विरुद्ध खड़े होने वाले उस दौर के जितने प्रमुख नाम हैं, सबकी वाणी को समाहित संकलित करने का साहस, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा सोच की बहुत बड़ी उच्चता चाहिए थी जिन सिख गुरुओं ने ये पावन कार्य किया। आप जरा सोचिए कितनी बड़ी कल्पना रही होगी, धन्ना भगत से लेकर के संत कबीर रैदास, सब क्रांतिकारी अपने अपने समय के,
उन सब क्रांतिकारी संतों की कवियों की वाणी को एक स्थान पर रखा गया। ये अद्भुत सिख परंपरा है जिसको नमन करना चाहिए। और जब हम इसको अद्भुत सिख परंपरा कहते हैं तो मैं गर्व से ये भी कहना चाहता हूं, सरदार तेजपाल सिंह जी भी इस बात से सहमत होंगे कि वास्तव में यही भारत की परंपरा है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब पैदा हुए हैं, चाहे कोई हो, कोई अल्लाह को मानने वाला हो, किसी और को मानने वाला हो, ये घोषणा करना, ये भारत की बहुत प्राचीन परंपरा। बहुत सारे पंथ संप्रदाय, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जब पंथ में उससे भी बहुत पहले कह दिया था हमारे यहाँ वेद के ऋषियों ने, एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग अंदाज से कहते हैं, इसलिए लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। वही भाव सर्वे भवंतु सुखिनः, वही भाव श्री गुरु ग्रंथ साहब में आता है, वही उसी का नाम सर्वत दा भला है। और सर्वत के भले का पहला सिद्धांत है, मैं तो केवल एक ही बात पर आग्रह कर रहा हूं आज की चर्चा में, बाकी विद्वान लोग करेंगे, मैं तो अविद्वानों में शामिल हूं, कि सर्वत का भला भाई साहब दुनिया में एक ही तरीके से हो सकता है, जब आप सबको साथ लेके चल सके। अगर आप एक्सक्लूजन में विश्वास रखते हैं, अगर आप मैं ही में विश्वास रखते हैं, तो दुनिया में झगड़े होंगे, हरियाणवी में कहना हो तो लठ बजेंगे, पंजाबी बड़े कहेंगे डांगा वजन गया, लेकिन जब आप कहेंगे नहीं आप भी सही हो सकते हैं, मैं भी सही हो सकता हूं, यानी आप इंक्लूसिव होने की कोशिश करेंगे, आपके भगवान, आपका धर्म, आपका संप्रदाय, आपके महात्माओं ने जो कहा संभवतः वो भी सही होगा, मैं जो कह रहा हूं मेरे पर भी विचार किया जाना चाहिए, जब आप इस धारणा के साथ काम करते हैं तो फिर किन्हीं पंथों के बीच में टकराव नहीं हो सकता, फिर किन्हीं ग्रंथों के बीच में टकराव नहीं हो सकता, फिर राष्ट्रों के बीच में संघर्ष के रास्ते भी बंद होते हैं, और जिसको हम फिर कहते हैं फिर वो सर्वत्ता भला, मानवता का भला इसी रास्ते पर चलकर संभव है, जो रास्ता श्री गुरु ग्रंथ साहब में दिखाया गया है। मुझे इतनी सी बात कहनी है, शेष आगे चर्चा चलेगी, कुछ सवाल जवाब होंगे तो उसमें मुझे आप अवसर देंगे तो मैं कुछ कहूंगा। डॉक्टर डीपी सिंह जी, चौहान साहब, आपने बहुत ही अच्छे और अच्छे शब्दों में बात को इतना अच्छे से रखा कि वो जहन में अंदर तक उतर गई। मैं अब आमंत्रित करता हूँ हमारे आज के आदरणीय स्पीकर तेजपाल सिंह जी को। तेजपाल सिंह जी सर, उसके बाद में हम बहुत सारे प्रश्न भी चौहान साहब से और करमजीत बहन से और तेजपाल सिंह जी से पूछेंगे, बहुत सारी जिज्ञासाएं अंदर और उत्पन्न हुई हैं। मैं उससे पहले तेजपाल सिंह जी से आग्रह करूंगा, तेजपाल सिंह जी साहब प्लीज अपने माइक को आप अनम्यूट करें, मैं अनम्यूट करता हूँ, प्लीज बोलिएगा सर जी। डॉक्टर डीपी सिंह जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साडे भैन करमजीत कौर जी अते उस तो बाद बरेंद्र चौहान जी नू सुनिया बहुत अच्छा लगा, बहुत सोहने विचार उन्होंने रखे ने। ज्यादा अच्छा मैनू लगा जदों डॉक्टर अपना वरेंद्र चौहान जी बोल रहे, उन्होंने द्वारा कहा गया एक एक शब्द अपने आप विच बहुत मायने रखता, क्योंकि बीइंग अ सिख होने के नाते जदों कोई सिख गल करता है अपने सिद्धांत की, गुरु साहबान की, कितने ना कितने सानू यह महसूस होता भी एक सिख होने के नाते बोल रहा। जदों डॉक्टर चौहान वर्गी शख्सियत गुरु ग्रंथ साहब जी के उत्ते इन्ना ज्ञान रखते हैं, तो वो सानू भी सुन के बहुत अच्छा लगता है कि समाज गुरु ग्रंथ साहब जी को किस नजरिए देखता है। अगर मैं पंजाबी विच गल करा तो कंफर्टेबल रहेगा जी? कोई दिक्कत नहीं, मैं हिंदी और पंजाबी दोनों को साथ में रखेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी जो आप सरबत के भले की गल करते हैं, भैन करमजीत कौर जी ने कहा अच्छी अरदास करते हैं, हर गुरसिख दो टाइम अरदास करता है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। जो आप शब्द वरतते हैं सरबत का भला, यह अपने आप दे विच बहुत व्यापक शब्द है, असी इनू सिर्फ ह्यूमन बीइंग दे नाल जोड़ के देखते हैं शायद, लेकिन गुरु नानक साहब जी ने सिर्फ ह्यूमन बीइंग दे भले की गल नहीं की,
गुरु नानक साहब जी ने जिन्हें भी जीव ने, चाहे वह जल दे जीव ने, हवा दे विच विचरण वाले तो कॉमन जीव, पशु पक्षी ने, वनस्पति है, जितना भी पसारा परमेश्वर का है वह सारा ही वो सम्मिलित आ जाता है, शामिल होंगे है। तो एक सिख कहता है सरबत का भला, एक घोंसले के बैठी हुई चिड़िया जिहड़ी अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, असी उहदा भी भला मंगते हैं। एक छोटा जिहा कीट जिहड़ा एक धरती से रेंगदा है तुरदा, असी उहदा भी भला मंगते हैं। इट मीनस कहन तो भाव के जदों असी एक सिख अरदास दे विच इह गल कह रहा हुंदा है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला, यह यूनीवर्स का भला है, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग कि सिर्फ मनुखां का भला, सारे समुदाय का भला, समाज का भला, वख वख इंसानियत का, लेकिन ये पवन पानी अग्नि वायु जिन्हें भी तत् हैं, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेल है सगल जगत, गुरु साहब जी ने जिहड़ा कॉन्सैप्ट है सिद्धांत है बहुत यूनीक है तो बहुत यूनीवर्स है। कोई भी हिरदा जिहड़ा भी गुरु नानक साहब जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की वाणी नू समझ सकिया है वह गुरु नानक साहब जी का होए तो बिना रह नहीं सकता। इस करके ये बहुत अच्छा विशा तुसी चुनिया अज सरबत दे भले दा। गुरु नानक साहब जी ने वाणी की शुरुआत ही एक तो की है, जिदा भैन करमजीत सिंह कौर जी ने काफ़ी उन्होंने प्रमाण दिते गुरबाणी दे विचों, सरबत दे भले दे ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। ते इस प्रकार असी देखते हैं भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच एकता की गल की गई है, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सांझीवालता की गल की गई है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच सारियां दा भला मंगिया है, इस्त्री दा भला मंगिया है, बच्चे दा भला मंगिया है, बुजुर्ग दा भला मंगिया है, गरीब दा भला मंगिया है, अमीर दा भला मंगिया है। कोई भी जिहड़ा इंसान नेक कर्म करता है सच्चाई ते चलता है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हमेशा उसका भला मंगते हैं। लेकिन असी देखते हैं कि समाज दे विच कुछ ऐसे एलीमेंट्स भी होंगे ने, ऐसे लोग भी होंगे ने जिहड़ी बुराई दे उत्ते उतारू होंगे ने, पाप कर्म दे विच उतारू होंगे ने, गुरु साहब जी ने उन्हों का भी भला मंगया जिहड़े लोग बुराई दे उत्ते उतारू के, परमेश्वर कृपा करो इन्हां नूं भी सद बुद्धि बख्शिश करो, सद कर्म बख्शिश करो, एक ताकि ये भी समाज दे विच एक अच्छे इंसान बन के, अच्छे मनुख बन के, अच्छे जीव बन के जिहड़े समाज दे विच विचर सकन। सो मैं समझदा भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी परमेश्वर की बाणी है, असी बाणी विच पढ़ते हाँ वाहो वाहो बाणी निरंकार है, परमेश्वर का ही स्वरूप है, शब्द जो है परमेश्वर का एक सरगुण स्वरूप है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी नूं पढ़ के सानू अपने वजूद का पता लगता है। ते एक बहुत अच्छी गल जो सानू समाज विच तुसी देखो, गुरसिख ने सिर्फ गुरु साहिब जी नूं पढ़िया नहीं है, गुरु गुरु का सिख गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं पढ़ के उसदे उत्ते चलदा है, उस जीवन नूं अपने जीवन दे विच उसनूं अडोप्ट करदा है। जिस तरह के अज तुसी COVID-19 दे विच देखो ये महामारी समाज विच फैली हुई है, ते सिख समाज ने गुरु दे वल्लों दिते हुए उपदेश सिद्धांत दे उत्ते चलदे हुए अज वर्ल्ड वाइड जिहड़ी सिख कौम है वह मानवता की सेवा दे विच लगी हुई है। चाहे अपने कोल सीमित सोर्सिज ने, लेकिन उसके बावजूद भी सिख कौम कदे भी यह नहीं सोचती भी कल नूं की होवेगा, असी कित्थों खावांगे, साडा की बनेगा, असी अपने वास्ते चिंता ना करके सारे समाज की चिंता कर, किसी नूं भुखा देख के मैं नहीं समझदा भी कोई सिख आप रोटी खा सकता है। जिवें भैन करमजीत कौर जी ने कहा कि वंड के छकना, नाम जपो किरत करो वंड के छको, पहला दूसरे नूं छका के, पहले दूसरे नूं दे करके फिर खुद खाना ही एक सिख नूं गुरु साहिब जी ने समझाया है, सिखाया है, क्योंकि गुरु साहिब जी ने जो कहे आ उसनूं पहले अपने जीवन दे विच अपनाया, सिख ने देखिया कि गुरु जो कह रहा है उसने आप अपने जीवन दे विच उस कर्म नूं कीता है, कीता जा सकता है, फिर वो जिहड़ा ज्ञान है उपदेश गुरु साहिब जी ने सानू बख्शिश कीता, ते गुरु दा सिख उस उपदेश नूं कमा करके गुरु दे खुशी दा पात्र बनना चाहुंदा है। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच बेअंत ऐसियां पंक्तियां ने, बेअंत ऐसा गुरु साहिब जी ने उपदेश जगह जगह सानू बख्शिश कीता होया, जिस तो सानू इस दी सेहत मिलदी है कि जिहड़ा सरबत दा भला है उहदे ही साडा भला है।
सारिया का भला करके ही असी अपना भला कर सकते हैं। सिर्फ अपने बारे सोच करके असी समाज दे विच अच्छे इंसान या अच्छा जीवन व्यतीत नहीं हो कर सकते, नहीं बन सकते। इस करके गुरु साहब जी ने सानू ये जोड़ा सरबत दे भले का कॉन्सैप्ट दिता है, सिद्धांत दिता है, उपदेश दिता है। मैं समझ अज सारी सिख कौम उसनू अपना के ते समाज दे विच संसार दे विच एक अपनी वक्री पहचान जिहड़ी है वह बना पाई है। इस सिख का जिहड़ा सन्मान है अज तुसी देखो यूएसए दे विच वड्डियां वड्डियां संस्थावां जिहड़े उत्थों दी गवर्नमेंट्स ने ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖੇ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇਖੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਾਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਹਾਂ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਇਹ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਵਰਨ ਵੰਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚਾਰੇ ਵਰਣਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਨਸ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਦਸਵੰਧ ਉਹ ਭਲੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਰੱਖਿਅਕ ਵੀ ਹੈ, ਗਿਆਨਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਈ ਬਾਤੇ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹਮਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣੇ ਹਮਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਭ ਕੀ ਭਲਾਈ ਕੀ ਜੋ ਬਾਤ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸੰਦੇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਾਨਵਤਾ ਕੋ ਦਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਅਨੋਖਾ ਹੈ ਨਾਯਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਥੇ ਜੋ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨਮੇਂ ਸੇ ਚੰਦਨ ਸਾਰਨ ਜੀ ਸੇ ਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰੂੰਗਾ। ਚੰਦਨ ਸਾਰਨ ਜੀ, ਆਪਨੇ ਜੋ ਅਭੀ ਹਮਾਰੇ ਓਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਜੋ ਬਾਤੇਂ ਬਤਾਈ ਉਨਕੋ ਕਿਸ ਰੂਪ ਮੇਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਨ ਸਾਰਨ ਜੀ ਜੈਪੁਰ ਸੇ ਔਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੇ ਫੀਲਡ ਸੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਸਾਰਨ ਜੀ ਚੰਦਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਚੰਦਨ ਸਾਰਨ, ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਨ ਸਾਰਨ, ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਮਾਈਕ ਕੋ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਵਾਪਸ ਉਸਕੋ ਮਿਊਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀ ਵੀਰੇਸ਼ ਜੀ, ਆਪ
किस रूप में जो आज की हमारी जो चर्चा रही है उसको किस रूप में ले रहे हैं आदरणीय वीरेश जी? हाँ जी सर, जी वीरेश मेरा जी, भी ये आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, मेरे को भी पहली बार सुनने का मौका मिला और मैं तो इतना डीपली सब्जेक्ट को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन काफी कुछ नया जानने के लिए मिला है। और मैं वही देख रहा हूँ कि सरबत का भला से मीनिंग वैसे ही निकल रहा है जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी पहले कहा आपने कि, और बहन करमजीत जी ने भी कहा उस समय कि सर्वे भवन्तु सुखिनः जो है, उसी को ये उसी सब्जेक्ट को जो है कि उसको और विस्तार से बताया है। और सबसे बड़ी बात है कि गुरबानी में जिस तरह से देश भर के जो उस समय के जो संत हुए, जो भक्ति धारा से के माध्यम से या आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से जिन्होंने समाज, जो हमारा भारत जो था कि उस समय गुलाम हो गया था विदेशियों के आक्रमण के बाद जो है, और संघर्षरत था, वो समाज को जागृत करने का काम देश भर के संतों ने किया। और उनकी जो वाणियां हुई, जो उन्होंने रचनाएं की, चाहे भक्त रविदास हो, कबीर हो, मीरा हो, रसखान हो, और बहुत से देश भर से, और उन सब की वाणियों को लेकर के ग्रंथ साहब में समाहित किया, और उसके माध्यम से जो है कि समाज को एक नई जागरूकता देने का काम किया, जो कि हमारा समाज लगभग समाप्त हो रहा था, जिसके ऐसे ही संतों की वाणी के कारण ही वो समाज बच सका। तभी किसी ने कहा ना कि हस्ती है कि हमारी मिटती नहीं, तो ऐसे जो संत और उनकी जो वाणी है, इसके कारण ही जो है कि हमारी जो बेड़ा कहा है ना कि उसने कि सारा सात समुद्र जो पार कर गया वो गंगा के मुहाने आकर के डूबा, तो ऐसा किसी ने कहा, तो वो मैं समझता हूँ कि वो ये उसके पीछे ये गुरुवाणी और गुरुओं की जो परंपरा रही और जो उनका त्याग रहा और जो उन्होंने सारा हमारे सामने जो अपना उदाहरण खुद का प्रस्तुत किया कि भाई कैसे करना है, केवल उपदेश नहीं दिया बल्कि वैसा जीवन जी के दिखाया, और उसके कारण जो है कि लोगों का भलाई का मार्ग प्रशस्त हुआ, मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ। हालांकि मैं इतना बोलने में आप लोग इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरे को समझ में आया वो मैं रख पा रहा हूँ। और ऐसा सुन करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत ज्ञानियों की ये बात सुनने के लिए मिली मेरे को, तो ये एक अच्छी बात है लगी मेरे को। जी वीरेश जी, आपने बहुत ही ठीक कहा। मेरी एक आदरणीय तेजपाल सिंह जी साहब से है। तेजपाल सिंह जी साहब, गुरु नानक देव जी को ऐसी उस समय की क्या परिस्थितियां थी कि उनको एक इस प्रकार की सेना और एक इस प्रकार के मिशन की शुरुआत करनी पड़ी आदरणीय तेजपाल सिंह जी? देखिए, गुरु नानक साहब के बाबत जब हम गुरु ग्रंथ साहब जी में देखते हैं तो हमें गुरु ग्रंथ साहब जी के द्वारा गुरु नानक साहब जी की जो व्यक्तित्व है, ज्यादातर जब हम गुरु नानक साहब जी की बात करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि हम उन्हें एक समाज सुधारक, एक क्रांतिकारी, एक विचारक के रूप में ही देखते हैं। लेकिन गुरु नानक साहब जी की जो हस्ती है वो उससे बहुत आगे है, क्योंकि जैसे भट्ट साहब हुए हैं, भट्ट साहबान हुए हैं, बनारस के बहुत ही प्रख्यात ब्राह्मण श्रेणी में वो आते हैं। बहुत ज्यादा उनको ज्ञान और समझ थी, तो वो उनकी वाणी हम पढ़ते हैं तो वो अपनी वाणी में कहते हैं, आप नारायण कला तार जग मह परवरयो, निरंकार आकार रूप निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो। कि गुरु नानक साहब परमेश्वर का साक्षात सरगुण स्वरूप इस संसार में अवतरित हुए। अब जो बात आपने कही कि गुरु नानक साहब जी के समय जो परिस्थितियां थी समाज की, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आवाज आ रही है। जी हाँ जी, गुरु नानक साहब जी के समय जो समाज की जो परिस्थितियां बन चुकी थी वो बहुत ज्यादा दयनीय अवस्था थी समाज की उस समय। जैसे हम देखते हैं भी जो समाज है वो जो मनुष्य है, मनुष्य
मनुष्य जाति जो है वो परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई एक ऐसी संरचना है जो सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। और वो मानुष अपने आप को इतना कमजोर महसूस कर रहा था, इतना लाचार महसूस कर रहा था कि मतलब उसका जो जीवन यापन है वो एक पशु की तरह कह सकते हैं कि बहुगिनती जो मनुष्य है वो पशु वृत्ति या पशु जैसा, पशु मतलब एक बड़ा ही दयनीय जीवन वो व्यतीत कर रहा था। तो इसलिए परमेश्वर ने, क्योंकि जब हम सृष्टि की संरचना धर्म के नजरिए से देखते हैं तो चार युगों का वर्णन सनातन ने भी किया है, सभी धर्म ग्रंथ इसका वर्णन करते हैं कि चार युग हुए हैं, अभी कलयुग चल रहा है। तो सतयुग में भी परमेश्वर अवतरित हुए, द्वापर में भी परमेश्वर अवतरित हुए, त्रेता में भी परमेश्वर जो है वो अवतरित हुए, तो कलयुग में भी गुरु नानक साहब जी के स्वरूप में परमेश्वर जो है वो अवतरित हुए। अवतरित का मतलब होता है आना, पैदा होना, प्रकट होना। और अवतार जब हम किसी जीवन को, किसी व्यक्तित्व को, किसी विशेष के लिए हम अवतार शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो उसकी डेफिनेशन है, हम किसे अवतार कहें, जैसे हम कहते हैं ना कि अवतार है, तो अवतार हम किसे कहते हैं। सनातन ग्रंथों में इसका जिक्र है, अवतार रखती इति अवतारा। अवतार का अर्थ होता है दुख, तकलीफ, विपता, कष्ट के जो अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए विपता में, कष्ट में उनकी रक्षा करता है, तो वो अवतार की श्रेणी में आता है। और उसके बाद फिर आप देखें अवतार जो है वो छह प्रकार के माने गए हैं। अवतार एक नहीं होता, परमेश्वर जो है वो छह प्रकार के उसके अवतार अवतरित स्वरूप हैं। सबसे पहला परमेश्वर का अवतरित रूप जो है वो है संत, जो भगत जैसे भगत कबीर साहब हुए हैं, संत स्वरूप जो हुए हैं, ये परमेश्वर का ही एक रूप है। इस इनके द्वारा हमें परमेश्वर के अस्तित्व की जानकारी होती है, हम परमेश्वर की, क्योंकि इन्होंने प्रगाढ़ रूप से अपनी वाणी में, अपने जीवन में परमेश्वर की होंद हस्ती को ही प्रकट किया है कि वो है। इन्हीं के द्वारा हमें पता चलता है कि परमेश्वर है, वाहिगुरु अल्लाह खुदा भगवान कहीं है। क्योंकि आज बहुत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शंका में रहते हैं कि पता नहीं वो है या नहीं है, लेकिन संतों, भक्तों, गुरुमुखों के जीवन से हमें पता चलता है कि वो है। इसलिए इनको पहले नंबर का परमेश्वर के अवतार की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं ये नित अवतार, इन्हें कहते हैं नित अवतार, जो सदा धरती पे रहते हैं, परमेश्वर की हस्ती को प्रकट करते हैं। उसके बाद आता है नमित अवतार, नमित भाव के किसी विशेष कार्य को करने के लिए जब परमात्मा धरती पे आए हों और आके चले गए, जैसे हरणाक्ष का वध करने के लिए परमेश्वर ने नरसिंह रूप जो अवतार है वो धारण किया, एक खास कार्य करने के लिए परमेश्वर आए, नमित अवतार। फिर उसके बाद आते हैं अंशा अवतार, जिसमें परमेश्वर की अंश होती है, गुण होते हैं। इस श्रेणी में, तीसरे नंबर की इस श्रेणी में हम रखते हैं जो राजे हुए हैं, जो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह पालते हैं, जैसे राजा दशरथ हुए हैं, राजा जनक हुए हैं, राजा भृगु हुए हैं, मनु हुए हैं, ये सभी राजा भी परमेश्वर की श्रेणी में आते हैं, उसके अवतार की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह पालते हैं, ये परमेश्वर का गुण है एक। तो उसके बाद अवेशा अवतार, अवेशा अवतार ऐसे जीवन को, व्यक्तित्व को हम कहते हैं जिसमें परमेश्वर की शक्ति जो ताकत है वो पहले से ना हो करके बाद में उसको अर्जित किया हो, जैसे परशुराम जी का हम जिक्र करते हैं इसमें कि परशुराम जी को आज विष्णु जी का अवतार मानते हैं क्योंकि उन्होंने तपस्या के बल से परमेश्वर की शक्ति अपने अंदर मतलब धारण की। और पांचवें नंबर पे फिर आता है कला अवतार, जैसे रामचंद्र जी हुए हैं, कृष्ण जी हुए हैं, 16 कला व 14 कला उनमें। और उसके बाद संपूर्ण अवतार जो जिसको हम मानते हैं, जो कहते हैं, जिसमें गुरु नानक साहब जी का हम जिक्र करते हैं। और ये अवतार किस श्रेणी का है, इसको हम तीन बातों से देखते हैं, ये भी बात समझने वाली है कि कोई अवतार किस श्रेणी का है, कला अवतार है, नित अवतार है, निमित्त अवतार है,
इसके लिए हम तीन बातें देखते हैं, एक देखते हैं हम कर्तव्य, एक देखते हैं आयु और एक देखते हैं प्रज्ञा। कर्तव्य का अर्थ होता है उसने संसार में आके क्या कर्म किया, क्या कर्तव्य किए, कौतक क्या किया समाज के लिए, और दूसरा फिर आयु कितने समय में किया, कितना समय वो धरती पे रहे, और तीसरा हम देखते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा का भाव है बुद्धि, समझ, उनकी समझ कितनी थी दुनिया के प्रति, समाज के प्रति। तो हम गुरु नानक साहब जी की कर्म देखते हैं, उनका कर्तव्य देखते हैं, तो वो हमें सभी से अलग, सभी से बहुत ज्यादा नजर आता है, क्योंकि गुरु नानक साहब जी ने बांग्लादेश, श्रीलंका, असम और इधर नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और श्री चाइना तक गुरु नानक साहब जी ने जो है मानवता का प्रचार और प्रसार किया। और उसके बाद गुरु नानक साहब जी की जो जीवन काल है वो 70 साल का रहा। और गुरु नानक साहब जी की जब हम बुद्धि की बात करते हैं, उनकी दूरंदेशी की बात करते हैं, तो आप जब वाणी पढ़ते हैं तो आपको सहजता से इस बात का ज्ञान हो जाता है कि गुरु नानक साहब किस दूरंदेशी और किस व्यक्तित्व के मालिक हैं। जब गुरु नानक साहब कहते हैं पाताला पाताल लख आगासा आगास ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहन एक बात, तो जिस बात को 21वीं सदी में ज्ञान भी पकड़ नहीं पाया, गुरु नानक साहब जी ने वो बातें बड़े सहजता से कही हैं। उनके पास ना तो कोई ऐसा मतलब वैज्ञानिक सोर्स थे जैसे आज वैज्ञानिक कोई चंद्रयान भेजते हैं, कोई मंगलयान भेजते हैं, या कोई टेलीस्कोप है, उनके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं था कि वो उससे देख के दुनिया को बता रहे थे। वो अपनी आत्मक ताकत से दुनिया को ये बता रहे थे कि धरती होर परे होर तिस्ते पार तले कवन जोर, कि ये धरती जो है एक नहीं है, तीन भी नहीं है, सात भी नहीं है, ये बेअंत है, अनेकों है, इसका कोई अंत नहीं है। तो वो अपनी दूरंदेशी से, अपने आत्मक बल से ये बातें कह रहे थे, जिसको आज का विज्ञान भी जो है वो कबूल करता है और समझ पा रहा है कि गुरु नानक साहब जी के पास वो ताकत थी जो शायद उससे पहले परमेश्वर ने किसी को ना दी हो। तो हम बात कर रहे थे गुरु नानक साहब जी जब इस धरती पे अवतरित होते हैं तो उस समय जो मानवता की, मनुष्य की जो हालत थी आप देख सकते हैं, एक तरफ मंदिर गिराए जा रहे थे, धार्मिक स्थानों की बेअदबी हो रही थी, औरत जाति पे जुल्म हो रहे थे, किसी के साथ भी न्याय जो है वो नहीं हो पा रहा था। तो गुरु नानक साहब जी ने जब आए, सबसे पहले वो अहमदाबाद में गए, वहां बाबर का हमला हुआ, गुरु नानक साहब जी बाबर को जाबर कहते हैं, ये अपने आप में उस समय का बड़ा एक रेवोल्यूशनरी शब्द था जो गुरु नानक साहब जी ने बोला, कोई बोलने की ताकत नहीं रखता था, जो गुरु नानक साहब जी ने उस समय उस शासक को एक चेताया भी, तू बाबर तू जाबर है, तू जुल्मी है। और वहीं से गुरु नानक साहब जी के सफर की शुरुआत हुई और उन्होंने जगह जगह जाके लोगों को ये बात याद करवाई कि आप परमेश्वर की यूनिक और सर्वोच्च संतान हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि देखिए, हमने सनातन ने 33 करोड़ देवताओं का जिक्र आता है, पर जो हमारे सूझवान सनातनी विद्वान से जब हमारी बात होती है तो वो हमें ये बात कहते हैं कि 33 करोड़ नहीं, 33 कोट हैं, 33 प्रकार के देवते हैं, देव शक्तियां हैं परमेश्वर के द्वारा पैदा की हुई, जिसमें हवा आती है, अग्नि आती है, अग्नि भी देवता माना है, वनस्पति में भी देवता शब्द का प्रयोग होता है, और उसके बाद सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, ये सभी देव शक्तियां हैं परमेश्वर की पैदा की हुई। और आप जरा गौर से जब देखेंगे तो ये सभी मनुष्य के लिए हैं, मनुष्य इनके लिए नहीं है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की संतान है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता, परमेश्वर मनुष्य का माता पिता है। सो गुरु नानक साहब जी ने परमेश्वर के साथ मनुष्य को डायरेक्टली इंटरेक्ट करने के लिए सुचेत किया, जागृत किया कि आपको किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जैसे बच्चा अपने बाप से मांगता है, आप डायरेक्ट अपने पिता से मांगो, परमेश्वर से मांगो, वो आपके लिए है, उसने आपको बनाया है, और सारी जितनी भी
अदर जूनी है, 83-84 लाख जूनी का हम जिक्र करते हैं, उसमें जो 83,99,999 जो जीव हैं वो आपके लिए हैं। अवर जोन तेरी पनिहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। सो गुरु नानक साहब जी ने एक बहुत ही एक क्रांति इस समाज में पैदा की, औरत के उत्थान के लिए उन्होंने बड़ी प्रबल तरीके से आवाज उठाई, और जो लोग अंधविश्वास में जी रहे थे, अज्ञानता में जी रहे थे, उन लोगों के लिए गुरु नानक साहब जी ने एक आवाज बुलंद की। इसीलिए गुरु नानक साहब जी ने भगत कबीर साहब, जिनकी पहचान शायद गुम हो जाती अगर गुरु नानक साहब इस धरती पे अवतरित ना होते। आज हम भगत रविदास जी को, कबीर साहब जी को, फरीद साहब जी को, शायद क्योंकि वो एक उस समय एक इलाके के लिए बन के रह गए थे, जिसको आज गुरु नानक साहब जी ने पूरे विश्व के सामने रख दिया कि ये लोग जो हैं ये उस परमेश्वर के सच्चे इंसान, सच्चे सपुत्र हम कह सकते हैं, जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में दर्ज है, जिन्होंने उस समय वो बातें की जो कहने की हिम्मत शायद उनके अलावा कोई नहीं कर पाया। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। मैं समय की थोड़ी सी सीमा को देखते हुए मैं आदरणीय चौहान साहब की तरफ एक प्रश्न के साथ आना चाह रहा था, जो मेरी जिज्ञासा भी है। चौहान साहब, आधुनिक परिवेश में हम गुरु ग्रंथ साहब की जो वाणी है, जो संदेश है सरबत का भला, किस रूप में उनकी व्याख्या करेंगे आदरणीय चौहान साहब? आज के संदर्भ में जो आज की जरूरत है उसमें हम उनको किस रूप में डिफाइन करेंगे चौहान साहब? अनम्यूट कर दीजिए कृपया। मैं एक बार फिर से आपका आभार व्यक्त करूंगा डॉक्टर साहब, डीपी सिंह जी, के आपने मुझे अवसर दिया है इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का भी, और आपके प्रश्न के लिए भी, कि इस प्रश्न के माध्यम से जो मेरे जैसा मूढ़मति कम ज्ञान वाला व्यक्ति श्री गुरु ग्रंथ साहब के बारे में जितना जान पाया है, समझ पाया है, उस पर उसी बात को दोहराने का एक तरह से अवसर है ये मेरे लिए। और मैं यही कहूंगा कि आज सारी मानव जाति के सामने संकट क्या है? संकट ये है कि हमें एक साथ कोएग्जिस्ट करना है। लड़ाई इस बात को लेकर, सुपरमेसी को लेकर के आप झगड़ा देखते होंगे, विवाद इस बात को लेकर है कि मेरा धर्म अच्छा है कि तुम्हारा धर्म अच्छा है, तुम्हारे ग्रंथ में बढ़िया कहा गया है कि मेरे ग्रंथ में बढ़िया कहा गया है। इस विवाद के से भरी दुनिया में गुरु ग्रंथ साहब जो भारत की ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा का वो अद्भुत मणि मौक्तिक है जो सारे संसार को आज भी रास्ता दिखा रहा है और इससे ज्यादा दिखा सकता है। और वो रास्ता क्या है, मैंने पहले भी कहा, मैं उसी को दोहराना चाहूंगा और उस पर पूरा एम्फेसिस सारी दुनिया को देने की जरूरत है, कि हमको एक्सक्लूजन के बजाय इंक्लूजन में का रास्ता अपनाना है। तुम भी सही हो सकते हो, मैं भी सही हो सकता हूं, और एक दूसरे को सहन करते हुए जाना, सबके भले की कामना करना, ये गुरु ग्रंथ साहब का केंद्रीय संदेश है, सेंट्रल जिसे मैसेज कह सकते हैं, प्रमुख संदेश श्री गुरु ग्रंथ साहब का यही है। और अगर इस संदेश को सभी मत संप्रदायों के लोग, सभी विचारधाराओं के लोग परमात्मा को चाहे किसी भी रूप में जानते हो, वो मान लें, तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं डॉक्टर डीपी सिंह, श्री गुरु ग्रंथ साहब ने जितना मैं समझ पाया हूं, ये कहते हुए कि मैंने उतना नहीं पढ़ा, मैं उतना नहीं जानता जितना शायद ज्ञानी जी जानते हैं, तेजपाल सिंह जी जानते हैं, या हमारी बहन जी बोल रही थी वो जानती है, और बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन ये पक्के तौर पर दावे के साथ मैं अपनी अल्प बुद्धि अल्प ज्ञान के आधार पर कह सकता हूं कि श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहीं भी किसी दूसरे को छोटा नहीं कहा गया। श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहीं ये नहीं कहा गया कि यहां पर जो संतों की वाणी है, जो गुरुओं की वाणी है, उसको जो नहीं मानता वो उसको जीने का अधिकार नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, उसको मार गिराना चाहिए,
उसको कहीं पशु घोषित नहीं किया गया, सबको ये तो कहा गया है कि परमात्मा का ये स्वरूप है, आप इसको माने, इसको स्वीकार करें, लेकिन ना मानने वाला नरक में जाएगा, दोजख में जाएगा, उसका उसकी दुर्गति होगी, उसको न जाने किस हालात से गुजरना पड़ेगा, या इस रास्ते पे जो नहीं चलेगा वो कहीं कुछ प्राप्त नहीं करेगा, ऐसी संकीर्ण बात कोई भी श्री गुरु ग्रंथ साहब में नहीं कही गई, जो गुरु ग्रंथ साहब या गुरु नानक देव से सिख परंपरा शुरू होती है और गुरु ग्रंथ साहब जो है वो यूं कहिए कि अंतिम सिख गुरु है, 11वें दशम गुरु के बाद उनको गुरु का दर्जा दिया गया है, गुरु की गद्दी प्राप्त हुई है, वहां तक किसी भी गुरु ने नहीं कहा और गुरु ग्रंथ साहब में भी ये बात नहीं है कि भाई जो आप कह रहे हैं वही सही है और कुछ सही नहीं हो सकता। ये भारत की सच्ची परंपरा है। इस बात को अगर हम आत्मसात करते चलेंगे तो सर्वत का भला, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, उसका रास्ता प्रशस्त होता है। झगड़े मिटाने की बात, उसका रास्ता वो श्री गुरु ग्रंथ साहब में निहित है। और आपने बाबा नानक का जिक्र किया था और ये पूछा था कि उनके उनके सामने वो क्या परिस्थितियां थी, सेना तो आकर के दूसरे गुरुओं ने बाद में मनाई मुगलों के आतंकवाद के सामने, लेकिन मुगल वंश पैदा हो रहा था जब गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक देव जी का प्रकटीकरण होता है भारतवर्ष में, उस समय बाबर आया, उनका समकालीन बाबर है, और बाबर वास्तव में जाबर है, वो बहुत आतताई है, अत्याचारी है, रगड़ता हुआ, मारता पीटता, हजारों लाखों लोगों को आगे बढ़ रहा है। उस दौर में बिना किसी सेना के, बाद में तो खालसा सजाया गया, बाद में सेना हो गई डीपी सिंह जी, सिख समाज शस्त्र धारण कर लिए, लेकिन जब गुरु नानक देव ने काम शुरू किया, जब गुरु नानक देव बाबर के सामने खड़े थे तो फौज नहीं थी, केवल एक संत थे, सन्यासी थे, एक दिव्य आत्मा थे, उन्होंने अपने आत्मिक आंतरिक बल के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर बाबर को जाबर कहने का साहस जुटाया। ये अद्भुत बात गुरु नानक देव के व्यक्तित्व की है, और वही बात, वही भावना आते आते 10 गुरुओं की परंपरा के माध्यम से चलते चलते फिर गुरु ग्रंथ साहब में भी नींद है, और गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में एक से एक अद्भुत चीजें हैं जो सबको जोड़ करके चलाने की बात करती हैं। ये साहस कहने का किसी दूसरे कई सारे पंथों में नहीं है। मैं फिर बहुत सावगोई से कहता हूं जो ये कह सके कि एक ही नूर से सब पैदा हुए हैं, अगर एक नूर से सब पैदा हुए हैं और सब इस बात को मानते हैं तो कोई ये कैसे कह सकता है कि जो इस पंथ को नहीं मानता या भगवान के इस स्वरूप को नहीं मानता वो काफिर है या वो किसी काम का नहीं है, वो गलत है। अगर एक नूर से पैदा हुए हैं साहब और अल्लाह या मालिक या भगवान या वाहेगुरु एक ही है तो ये तो कह सकते हैं कि तुमको उसका स्वरूप समझ नहीं आया, लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो, नरक में जाओगे, दोचक में जाओगे, और यही एक रास्ता है। मैं उस विधि को सही नहीं मानता। कम से कम भारत में किसी भी संत महात्मा ने शायद उस शैली में अपनी बात कही भी नहीं है। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब और सबके सब सिख गुरु वे विशुद्ध सना जो भारत की ज्ञान परंपरा है जिसके बारे में हम गर्व कर सकते हैं, उसके सच्चे प्रतिनिधि हैं। दुनिया के सामने आने वाले दिनों में कोविड काल के बाद भी सारे झगड़ों से निपटने का रास्ता भारत की इसी सोच से होकर गुजरता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब और सिख गुरुओं के द्वारा कही गई उसी या उनके द्वारा बहाई गई प्रकट की गई उसी ज्ञान धारा में से होकर के निकलता है। डॉक्टर डीपी सिंह जी जी चौहान साहब बिल्कुल आपने सही फरमाया, और मैं एक मिनट के लिए कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए बहन करमजीत जी के पास में वापस जाना चाहूंगा। बहन करमजीत जी आप एक मिनट का ही समय है क्योंकि हमारे समय की जो सीमा है, आप अपनी बात को कैसे कंक्लूड करेंगे? करमजीत जी आपके माइक को वापस म्यूटेड हो रहे हैं। मैं बात को कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए वापस जाना चाहूंगा तेजपाल सिंह जी के पास में। तेजपाल सिंह जी साहब
एक मिनट में अपनी बात को सबको एक संदेश के रूप में आप अपनी बात जो कहना चाहते हैं तेजपाल सिंह जी सर। बहुत धन्यवाद कि आपने आज ये जो विचार चर्चा वेबिनार के जरिए की है बहुत ही सराहनीय है। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार उन्होंने बड़ी खुल दिली से मैं समझता हूँ कि हमारे सन्मुख जो है वो रखे हैं। और अगर मैं कंक्लूजिंग बात कहूँ तो मैं समझता हूँ कि हमें आज जो एक कमी महसूस होती है बीइंग ए सिख प्रचारक, मुझे एक कमी महसूस होती है, वो ये है कि हमारी कथनी और करनी में बहुत अंतर जो है वो आ चुका है, जो कि गुरु साहिबान में बिल्कुल भी नहीं है, या जितने भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में जिनकी वाणी है उनमें वो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम उसी खुल दिली से और हिम्मत से गुरु ग्रंथ साहिब जी के जो ज्ञान को भारतवर्ष में अगर प्रचार और प्रसार करें तो भारतवर्ष को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु जैसे जो हम एक सपना जो हम देखते हैं उसको बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत की जो दशा और दिशा को बदलने में गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सबसे ज्यादा जो अग्रणी होकर के और सिख समाज जो है वो आगे बढ़ के उसमें अपनी जो भूमिका है वो निभा रहे हैं और निभा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ये बात हम लोगों को समझ में आ जाए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और मैं दोबारा फिर आप सभी जो सज्जन हमारे साथ जुड़े हैं बहन करम जी कौर जी उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि ये जो विचार चर्चा है सकारात्मक ढंग से हुई है और बहुत कुछ मुझे सुनने को और समझने को मिला है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी आपका, चौहान साहब का, बहन करमजीत जी का, हमारे साथ डॉक्टर सत्यनारायण जी झाझड़िया जी और जितने भी वीरेश जी, तेजपाल, आप, शक्ति सिंह जी, राठौड़ साहब और यशवंत जी भाई जी, सब जो पधारे सभी ने इतना समय दिया, आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। इसी के साथ सबको नमस्कार। बुधवार को फिर मिलेंगे सड़क सुरक्षा से संबंधित एक और वेबिनार के साथ में। अभी आधिकारिक तौर पर तो मैं इस बारे में नहीं कह सकता, हो सकता है उस दिन हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी भी हमारे साथ में हो। मैं बुधवार को पुनः आपसे वापस जुड़ेंगे, वापस मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।